हरिद्वार की पवित्र गंगा के किनारे बसा वो होटल सालों से वीरान पड़ा था। जर्जर इमारत ढाने को तैयार थी, मगर मानसून की रुद्र रूपी बारिश में राहुल और मीना के लिए यही आखिरी सहारा बचा। जंग लगे गेट को धक्का देकर वे अंदर दाखिल हुए। हवा में धूल का गुब्बार उठा, मानो परित्यक्त होटल सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का जोरदार झोंका आया, जो किसी बेचैन आत्मा की कराह जैसा लगा। राहुल को होटल के पुराने कर्मचारी, जिन्हें रात में पहरा देने के लिए मजबूर किया गया था, उनकी कहानियां याद आने लगी। कहानियों में अचानक हवा में बजने वाले संगीत का जिक्र था, एक पुराने जमाने का धुंधला सा वाल्स, जो किसी भूले हुए प्रेमी की अधूरी कहानी सुनाता था। दीवारों पर खून के पुराने भूरे धब्बे थे, मानो किसी खौफनाक घटना के मौन गवाह। और एक अकेली आवाज की बात थी, जो रात भर कमरों में घूमती रहती थी, कभी फुसफुसाती, कभी चीखती हुई। हर कहानी के साथ राहुल की रीढ़ पर सिहरन दौड़ जाती। उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और टूटी हुई खिड़कियों को जितना हो सके टूटी हुई कुर्सियों से ढकने की कोशिश की। शाम ढलते ही बिजली चली गई, घुप अंधेरा छा गया। टप टप टप, छत से आती आवाज कमरे में गूंजने लगी। डर के मारे दोनों एक दूसरे से सटकर सो गए। सवेरे सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने छत पर गीले पैरों के चौंकाने वाले निशान देखे। ये निशान छत तक कैसे पहुंचे? कल रात की बारिश तो कमरे के अंदर ही हुई थी। घबराहट के बीच भागने ही वाले थे कि अचानक रेडियो खुद ब खुद बज उठा। स्थानीय स्टेशन की जगह एक भयानक चीख सुनाई दी, एक फटी अमानवीय आवाज गूंजी, यहीं रहना, तुम दोनों यहीं रहोगे। चीख खत्म होते ही रेडियो बंद हो गया। मीना चीख उठी और बेहोश हो गई। राहुल उसे संभालने में लगा, उसी वक्त एक नई दहशत जकड़ गई। बंद दरवाजे के पीछे से फिर वही टप 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 की आवाज आ रही थी। पास आते हुए जैसे कोई गीले पैरों से उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। राहुल ने सोचा भागने का रास्ता ढूंढने में देर हो चुकी है। उसने कमरे में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। मीना अब होश में आ चुकी थी, उसकी आंखों में दहशत के सिवा कुछ नहीं था। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा, आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। फूट फूट कर रोती हुई एक महिला की आवाज, जो कह रही थी, मुझे भी अंदर जाने दो, भीग रही हूँ। ये आवाज कहानियों वाली अकेली आवाज से बिल्कुल अलग थी। राहुल असमंजस में था, दया आ रही थी, मगर बाहर जो भी था उसका इरादा शुभ नहीं हो रहा था। उसी वक्त एक और धक्का लगा, इतना जोरदार कि अलमारी हिल गई। राहुल जानता था अब और देर नहीं की जा सकती। उसने कमरे में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे पर जोरदार वार।